मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बार फिर पति द्वारा पत्नी से अप्राकृतिक संबंध बनाने और प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोट पहुंचाने का मामला सामने आया है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर हैवान पति को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला छिपरा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक मिस्त्री के खिलाफ उसकी पत्नी की शिकायत पर अप्राकृतिक संबंध और प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोट पहुंचाने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी पति शराब पीने का आदी है और पत्नी पर अक्सर चरित्र शंका करता है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया तो आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह शाजापुर का रहने वाला है और उसकी शादी को लगभग 16 साल बीत चुके हैं और मिस्त्री का काम करता है। आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता है, जिसके कारण वह पहले भी उसके साथ मारपीट कर चुका है। आरोपी पति ने शराब के नशे में देर रात अपनी पत्नी से चरित्र शंका के चलते विवाद किया और उस विवाद में पत्नी के गुप्तांग पर चाकू को गर्म कर वार कर दिया, जिसके बाद पत्नी को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह मूलतः तो शाजापुर की रहने वाली है, लेकिन विगत काफ़ी समय से छिपरा क्षेत्र में रह रही थी। उनके जो पति ने उनके साथ काफ़ी घिनौनी हरकत करी है, चाकू गर्म करके उनका गुप्तांग जलाया है और अप्राकृतिक कृत्य भी किया है। महिला की रिपोर्ट पर धारा 377 326 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। महिला का मेडिकल करवा के इलाज हेतु MI भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ करने में उसने महिला के चरित्र के ऊपर शक करता था, इसी कारण ये जनन कृत्य उसने किया। घटना के बाद पत्नी की शिकायत और पति की हैवानियत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस अब आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है।